आज की रेसिपी है चिकन करी, जो कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए पहले मुझे हमें इन सब का पेस्ट बना लेना है, देख लीजिए। उसके बाद 2 केजी चिकन मैंने साफ़ कर लिया है। इसमें हम नींबू निचोड़ेंगे, 1 नींबू का रस, और जो मसाले थे उसका पेस्ट बना लिया है इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 4 चम्मच दही डालेंगे, फेटा हुआ दही। चिकन मसाला डालेंगे, हल्दी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे इसमें हम। अब इसमें 1 मुट्ठी हरी धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब देखिए, ये 1 घंटे के लिए हो चुका है मैरिनेट। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे, सूखी लाल मिर्च और तेज़पत्ता डालेंगे इसमें हम। इसे फ्राई कर लेंगे जब तक ये रेड ना हो जाए। ये देखिए, ये रेड हो चुका है। अब ये अच्छे से रेड हो चुका है। अब इसमें हम मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे, जो हमने 1 घंटे पहले मैरिनेट करने के लिए रखा था। अब वो इसमें हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए, ये चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे इसे हमें पकाना है और ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसका कवर हटाएंगे और देखेंगे, देखिए इसने बहुत वाटर रिलीज़ कर दिया चिकन ने। फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गया, फिर से इसका हम ढक्कन हटाएंगे, इसका कवर हम हटाएंगे। देखिए धीरे धीरे इसका पानी थोड़ा थोड़ा अब्जॉर्ब हो रहा है। इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे हम, कवर लगा के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे ये अच्छा पकता है। 10 मिनट हो गया है, ढक्कन हटा के फिर से इसे हम देखेंगे। फिर से कवर कर देंगे इसे हम। देखिए 10 मिनट के बाद इसका मसाला लगभग फ्राई हो गया है, ऑयल पूरा ऊपर आ गया है। इसे फिर से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और जितना ग्रेवी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड कर लिया इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट और कुक करेंगे। पाँच मिनट के बाद देखिए ये बिल्कुल रेडी है, ऑयल पूरा ऊपर आ गया है, पानी जो हमने डाला था वो भी अच्छे से कुक हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करें। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।